देखिए, आज मैं आपको, क्योंकि गर्मी का सीजन आ चुका है, पशुओं को मच्छर जो मक्खी होते हैं वो बड़ा तंग करते हैं, तो आज मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ बिल्कुल देसी, आप एक बार अगर उस फार्मूले को अपने पशु पर लगाते हैं तो 3 दिन तक आपके पशु को मक्खी मच्छर नहीं लगेंगे, ऐसा अचूक फार्मूला है। तो देखिए, गर्मी का मौसम आ चुका है और अपने पशुओं को जो मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं, वो बड़ा तंग करते हैं। पशु मतलब सारी सारी रात बैठते नहीं है और बड़े तंग हो जाते हैं। पशु दूध दूध भी नहीं देते टाइम पर और दूध कम कर देते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसका मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, बिल्कुल देसी फार्मूला, आप अपने घर तैयार कर सकते हैं। और उस फार्मूले को तैयार करके अगर आप पशु को एक बार अगर लगाते हैं तो 2 से लेकर 3 दिन तक आपके पशु को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पशु को मक्खी मच्छर नहीं लगेंगे, बड़ा ही अचूक फार्मूला है। तो देखिए, आप इस वीडियो को और किसानों तक और पशुपालकों तक आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और पशुपालक भाई और किसान भाई इसका लाभ ले सके। तो देखिए, फार्मूला बिल्कुल देसी है। आपको तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनका रस 50 ml, तुलसी के पत्ते का रस आपको लेना है 50 ml। तो देखिए, तुलसी के पत्ते का रस और सरसम का तेल 1 लीटर लेकर के मिला लें। मिलाने के बाद आप कांच का एक बर्तन ले लें, कांच का बर्तन कोई बोतल वगैरह ले ले या जार वगैरह आता है वो ले ले, लेकर के उसके अंदर डाल करके और उसको धूप में रखें। 7 दिन आप धूप में उसको पड़ा रहने दें। 7 दिन के बाद उसके अंदर एक मलम सी बन जाएगी और टाइट हो जाएगा। वो लेकर के कप आप जब भी लगाना हो, 1 कप ले लें, 1 कप में आधा थोड़ा सा डाल करके, और कपूर जिसको जो हम अपने पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कपूर की एक टिक्की आती है छोटी सी, वो टिक्की बारीक कूट लें, कूट करके वो भी इसके अंदर मिला दें, और मिला करके आप अपने पशु के नहला धोला करके उसके ऊपर उसकी मालिश कर दें, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्मेल हो जाती है, जो पशु के मच्छर वगैरह मक्खी लगते हैं वो पास नहीं आते। एक बार लगाने के बाद आपको 2 से लेकर 3 दिन तक दोबारा पशु को लगाने की जरूरत नहीं है। 2 से लेकर 3 दिन तक पशु को मच्छर मच्छर है हो चाहे मक्खी हो, वो नहीं लगेंगे और आपका पशु दूध भी पूरा देगा और पशु तंग। और देखिए, एक उपयोग और कर सकते हैं इस फार्मूले का आप, इसके अंदर अगर आपके पशुओं को चोट लग गई है, कोई जख्म हो जाता है, कोई और हो जाता है, उसको सुखाने के लिए अगर इस तरह की आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसके अंदर हल्दी लेकर के थोड़ी सी कूट करके मिला करके, वो कपूर ना मिलाएं, फिर इसके अंदर लेकर के कपूर की टाल कर दें, जो मलम आपने बनाई है उसके अंदर हल्दी मिला करके आप अपने पशु को जहां भी चोट लगी है, कोई फोड़ा फुंसी है, वहां पर लगाते हैं, वो बड़ी जल्दी ठीक। बड़ा ही अचूक फार्मूला है, हम काफी समय से अपनी डेयरी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करें और अपने पशुओं की अच्छी सेहत का ध्यान रखें। तो सभी पशुपालक भाई इस वीडियो को और आगे शेयर कर दें और किसानों तक और पशुपालकों तक। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पेज से जुड़े हैं, पेज को फॉलो कर लें। सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान।